डज लव हैव अ फ्रीक्वेंसी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था हाउ टू सेंड लव वाइब्रेशन और एक वीडियो में बताया था कि अगर कोई आपको लव वाइब्रेशन सेंड करता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बाद बहुत सारे व्यूवर्स ने पूछा कि आखिर फ्रीक्वेंसी कितनी है लव वाइब्रेशन की बिकॉज सारी वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी है तो डज लव है हाँ फ्रीक्वेंसी क्या लव वाइब्रेशन की कोई फ्रीकवेंसी है एंड वट फ्रीक्वेंसी डज लव वाइब्रेट किस फ्रीक्वेंसी पे लव वाइब्रेशन होता है सो so, दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी आपको ध्यान से सुनिए डज लव एनी फ्रीक्वेंसी तो इसका आंसर है यस लव फ्रीक्वेंसी की एक वाइब्रेशन होती है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करते हो ओके वट फ्रीक्वेंसी डज लव है ये भी मैं आपको बताऊंगी विथ पर्टिकुलर आंसर ओके सो लव एग्जिस्ट विदाउट कंडीशन विदाउट एक्सपेक्टेशन इट्स सेलिब्रेट दैट एग्जिस्टेंस इसका मतलब क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है द लव फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दिस इज फाइव ट्वेंटी एट हर्ट्स दैट मीन फाइव ट्वेंटी एट हर्ट्स वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे लव वाइब्रेट करता है ये फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है इस फ्रीक्वेंसी में जब आप होते हो तो आप इजली किसी की भी लव वाइब्रेशन को रिसीव कर सकते हो बहुत ही ईजली किसी भी एनिमल को किसी भी पर्सन को किसी भी नेचुरल चीज़ को लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं बेनिफिट्स क्या है सिग्निफिकेंस क्या है जब आप इस वाइब्रेशन में होगे तो आपका हर्ट भी हील होगा हमारा हर्ट हील होगा सेकेंड थिंग आप नेचर से कनेक्ट हो पाओगे और नेचर से जब आप कनेक्ट हो जाओगे प्लांट से एनिमल से हर किसी की फ्रिक्वेंसी को फील कर पाओगे तो आपके साथ होते हैं मिर्कल्स इसका और मैं आंसर बताऊंगी द आंसर इज़ सिंपल कि लव फ्रिक्वेंसी कितनी है एंशियन अगर हम बात करें एंशियन टाइप की तो फाइव ट्वेंटी हर्ट्स फ्रीक्वेंसी को ही माना जाता है कि ये मोस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंसी है जिसपे लव वाइब्रेट करता है इट्स वाइब्रेशन कनेक्ट एंड रिजोनेट एवरी थिंग विद इन अस हमारे अंदर जो भी है उसे बाहर के बाहर के इन्वायरमेंट से नेचर के साथ कनेक्ट कर देता है ये फ्रीक्वेंसी जिसको हम लव फ्रीक्वेंसी कहते हैं क्यों लव फ्रीक्वेंसी कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे हमारे साथ मेरकल्स होते हैं मैजिक होते हैं आप जो चाहते हो आपको वो सब रिसीव होता है अब आप बोलोगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम फाइव ट्वेंटी फ्रीक्वेंसी हर्ट पर हैं सो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है इसे हम चेक करने के लिए तो हमारे ब्रेन में मशीन लगा के चेक की जाती है कि आप कितनी वाइब्रेशन पर हो कितनी फ्रिक्वेंसी पर हो लेकिन इसका सिंपल तरीका है आप बाइनिवल बीट्स 520 ट्वेंटी हर्ट्स का म्यूजिक आता है आप 520 ट्वेंटी हर्ट्स का बाइनिवल बीट्स या म्यूजिक सुन के अपनी एनर्जी को गेन कर सकते हो रेस कर सकते हो 528 ट्वेंटी हर्ट्स पर ला सकते हो और इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उनका फ़ायदा ले सकते हैं इसी तरीके और यूजफुल वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन ज़रूर प्रेस कर दें